Hello everyone, once again we welcome you all to our channel Math Vibes where learning maths is so easy. And today we are here with our new video which is on what are factors, what are factors, and how to write the factors of a number. Okay, alright, let's start. So, let us firstly learn about the definition of factor well a factor of a number is an exact divisor of that number okay a factor of a number is an exact divisor of that number now what does it mean exact divisor means that whenever you divide that number by its factor the remainder is always zero okay so whenever we divide a number by its factor the remainder is always 0 okay, or agar remainder 0 hai, so that means that particular number is a factor of that given number. Okay, so let us look at this, uh, let us understand this with the help of an example. Okay, so let us take the example of this now. 28, if I divide 28 by 7, then you all know that. It is divisible by 7 and the answer has to be 4 because 7 4s are 28. So, I can also say it like this that 7 divides 28 exactly. Okay, 7 divides 28 exactly and that is why the quotient is 4 and the remainder is 0. Okay, 7 4s are 28 so obviously the remainder is 0 and the quotient is 4. But, ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फोर इज सेवन फोर भी तो ट्वेंटी एट को डिवाइड करता है एग्जैक्टली exactly. अगर हम अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करके देखूं, तो क्वेश्चन आएगा 7 और उसमें भी रिमाइंडर आएगा 0, राइट? Right? अगर 28 को 4 से डिवाइड करूं तो उसमें भी क्वेश्चन 7 है और रिमाइंडर 0 है ओके एंड इफ आई लुक एट वन मोर सिनेरियो देन 28 को अगर मैं 28 से डिवाइड करूं

सी अब देखो ट्वेंटी एट को ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं ये हम देख चुके हैं ठीक है अगर ट्वेंटी एट को वन से डिवाइड करें ट्वेंटी एट आएगा ट्वेंटी एट को फोर से करें 7 आएगा ट्वेंटी एट को 7 से करें फोर आएगा और ट्वेंटी एट को ट्वेंटी एट से करें तो वन आएगा बट नाउ टेल मी इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी ठीक है ना इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी एट तो ये सब मेरी क्या हेल्प कर रहे हैं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई नो इट वेरी इजी देखो इसी चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट लाइक दिस कैन आई राइट लाइक दिस ऑफकोर्स येस यस सी वन ट्वेंटी एट सा ट्वेंटी एट 28, 28, 28 28. तो देखो अब इन सारे में, सारे केसेस केसेस में, में हम हमेशा डिवीज़न फैक्ट से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट तो लिख ही सकते हैं तो अब अगर मैंने इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिख दिया तो अब ये मेरी क्या हेल्प कराएंगे फैक्टर ढूंढने में लेटस फर्स्टली सी एनी वन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट एंड आई विल कैसे सपोज हम ये लेते हैं राइट लेट सी कि हम इसमें अब फैक्टर्स कैसे देखें तो चलो देखते हैं फोर इंटू सेवन इज टू ट्वेंटी एट अगर मेरा कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है फोर इंटू सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी कोई मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें मेरे फैक्टर्स क्या होते हैं ये वाले दो स्मॉल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर बन रहा है अब इस बड़े नंबर को क्या बोलते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करते हैं ठीक है सो अभी अगर फोर इंटू सेवन है दो ऐसे के छोटे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके दो ऐसे के छोटे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके मेरा ये ट्वेंटी एट बन रहा था तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स ये वाले दो होते हैं जो मल्टीप्लाई के साइन के साथ होते हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ओके इनको बोलते हैं फैक्टर्स तो अब अगर मेरा ये क्वेश्चन है ठीक है अभी मेरा ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स लिखे थे फैक्टर्स निकालने के लिए तो अब इनसे मुझे कैसे मिल जाएगा इनसे मैं फैक्टर्स कैसे ढूंढू तो देखो इसमें जो छोटे नंबर्स हैं वन है फोर है सेवन है नेक्स्ट में फोर और सेवन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और ट्वेंटी एट तो होगा ही क्योंकि 28 भी तो 28 के टेबल में आ रहा है ना ट्वेंटी 28 सो दैट मींस इफ आई वांट टू राइट आउट नाउ द फैक्टर्स ऑफ 28 देन द फैक्टर्स सेवन एंड ट्वेंटी एट वन फोर सेवन एंड ट्वेंटी एट सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी एट समझ लगा ओके okay. आपको क्या करना है क्लिक करना है सो दैट यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल यू कैन वॉच न्यू विडियोज एवरी डे राइट सो लेटस लुक एट अनादर एग्जाम्पल वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन ओके फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 16 अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 16 के फैक्टर्स निकालने हैं तो आप कैसे करोगे आप सारे वो टेबल देखना शुरू करो जिन जिन के टेबल में 16 आता है कैसे देखोगे सिर्फ टू से नाइन तक देखने की जरूरत है ठीक है बाकी तो सब रिपीट ही होगा ना सो so, टू से लेके नाइन तक लिख लो बस बाकी और कोई करने की जरूरत नहीं है बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाता है सी मैजिक ऑफ मैथ्स, राइट ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज ऑलवेज़ इट इज 16, ओके, वन टू राइट द स्मॉलर नंबर एट द फर्स्ट प्लेस सो इट इज नॉट कंपल्सरी बट इजी होगा ओके सो 2 के टेबल में 16 आता है ये वेर 2 एट सिक्सटीन वो लिख लिया ओके फिर नेक्स्ट देखो थ्री के टेबल में तो नहीं आता फोर पे यस फोर फोर जा सिक्सटीन फाइव पे नहीं आता सिक्स पे नहीं आता सेवन पे नहीं आता तो नेक्स्ट किस पे आता है एट पे एट टू जा सिक्सटीन ओके और कोई सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन भी होता है बट वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना यहाँ पे तो हम बार बार नहीं लिखेंगे ओके नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन

उट सो नाउ लेट्राई टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी अब इस एग्जाम्पल के बाद ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है ओके ऑल राइट सो फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी लिखने के लिए क्या करना है पहले जो ट्वेंटी नंबर है वो टू से लेके वन से लेके चलो सच स्टार्ट करते हैं वन से लेके टेन तक किस किस टेबल में आता है वो सारे टेबल्स के मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखने हैं ठीक है सो फर्स्ट इज ऑलवेज वन इन ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी आर ट्वेंटी टू के टेबल में जाता है यस सो टू टेन जा ट्वेंटी टू के टेबल में टेन पे जाता है थ्री पे नहीं जाएगा फोर पे यस फोर फाइव जा ट्वेंटी फाइव पे जाएगा यस इट विल बी फाइव फोर ज्वेंटी एंड यू कैन स्किप इट ऑल्सो जब प्रैक्टिस हो जाएगी एक बारी तो स्किप कर देना बार बार रिपीट करना ठीक है नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी टेन टू ज्वेंटी तो ये सारे नंबर्स हैं ये सारे टेबल्स में ट्वेंटी आता है ठीक है ये सारे टेबल्स में ट्वेंटी आता, आता है तो अब हम क्या करेंगे लेट सर्कल द फैक्टर्स इट इज वन टू फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी बस ये याद रखना है कि हर नंबर हर नंबर को एक बार ही तो जरूर सर्कल करना है जो आपने मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखे हैं ओके okay? तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए ट्वेंटी के वन टू फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी इजी पीजी राइट ओके लेट्स लुक वन मोर एग्जांपल ओके एक और देखते हैं जितना समझोगे उतनी जल्दी हो जाएगा सो okay. so, us फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 8 सो एट के टेबल किस किस में एट का नंबर किस-किस के टेबल में आता है में आता है, पे? के टेबल में आता है कहां पे फोर टू झार एट और टेबल में आता है एट वन जाट ओके तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हर नंबर को क्या करना एक बारी सर्कल में लगाना वन टू फोर एंड एट ठीक है सारे नंबर एक बार सर्कल में आ गए Now, ये सर्कल में लगाना कंपलसरी नहीं है बट इन द बिगिनिंग स्टार्ट ही की को ढूंढना तो इट इज एडवाइजेबल कि लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मत लगाना देन यू कैन डू इट ओरली आल्सो ओके सो द फैक्टर्स ऑफ विल बी वन टू फोर एंड एट

नंबर का जो भी फैक्टर होता है वो उस नंबर के यहाँ तो इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता ओके okay? उससे ज्यादा नहीं हो सकता कम हो सकता है इक्वल भी हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सी आपने भी देखा होगा उसमें इट स्टार्ट फ्रॉम वन और मैक्सिमम नंबर वही होता था जिसका हमने फैक्टर निकालना होता है

So, if you liked our video, don't forget to click the subscribe button for latest updates. And if you want to watch more videos, do visit our channel. We'll love to see you over there. Bye bye. Take care.